इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। तरदीद करते हैं नाज़रीन, ये दिन वो है 16 दिसंबर का जब एक और वाकया हुआ। आज से 17 दिसंबर 1971 को, अब से कुछ तकरीबन 49 साल पहले, आज के दिन ढाका में 16 दिसंबर को जनरल नियाज़ी ने, इसके बावजूद कि उनके पास 24,600 फौजी थे और भारतीय फौज के पास कुल 3,000 सिपाही थे जो ढाका से दूर थे, और वह हथियार डाले भारतीय फौज के कमांडर के सामने पलटन मैदान में। वो दिन आज भी पाकिस्तान में, लेकिन जिस दिन 16 दिसंबर को ये वाकया हुआ, फॉल ऑफ ढाका हुआ और ये एक खौफनाक शिकस्त हुई, उस दिन भी याया खान, जनरल याया खान, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, ये ऐलान कर रहे थे कि आखिरी जंग तक, आखिरी फतह तक जारी रहेगी जंग। लेकिन हम देखते हैं कि 13 दिन की छोटी सी जंग थी और उसमें 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने मगरबी पाकिस्तान का महाज खोला इस खुशफहमी में कि हम मशरकी पाकिस्तान को कवर दे सकेंगे, लेकिन वो कवर ना मिल सका। बल्कि 4 दिसंबर को भारत भी आगे बढ़ गया हमले में मगरबी पाकिस्तान पे, और 13 दिन की मुख्य जंग में हमसे हमारा अक्सर हमारा सूबा हमसे अलहदा हो गया। और आज बांग्लादेश में आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, फतह का दिन मनाया जा रहा है। वो बंगाली जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट रखी, मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी 1906 में, और वो बंगाली जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, और वो बंगाली जिन्होंने मशरकी चिटागोंग का रेफरेंडम जीता और जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए अपना तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसी मशरकी पाकिस्तान के लोगों को, बंगाल के लोगों को, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा किरदार अदा किया, हमने खून में दहला दिया। जो इतलात आई जब हमीदुर्रहमान कमीशन भुट्टो साहब ने बनाया, जब वो पाकिस्तान वापस आए, जब पाकिस्तान टूट चुका था, उन्हें बुलाया गया कि आए अब ये टूटे फूटे पाकिस्तान को आप ही बचा सकते हैं, तो हमीदुर्रहमान कमीशन बनाया गया। हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट आई, हमीदुर्रहमान कमीशन ने ऐसे ऐसे खौफनाक इंकशाफात उस रिपोर्ट में मौजूद हैं जो हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया और ना ही कोई कोर्ट इस तरह का कोई बड़ी कार्रवाई हुई कि जितना बड़ा खौफनाक ये ट्रेजेडी थी और ये जिस तरह का ये एक डिबैकल था। हमने किताबें देखी हैं, जनरल गुलशरण भी देखी है, राव फरमान अली की भी देखी है, इन तमाम अफसरान की देखी है, यहाँ तक कि जनरल नियाज़ी की भी देखी है और राव फरमान अली की भी देखी है जो अपनी वजाहतें पेश करते हैं। ऐसे खौफनाक किस्से हैं जो बयान से बाहर हैं। लाखों बंगाली, इस पर इख्तलाफ है कि 3 लाख मारे गए बंगाली, 5 लाख मारे गए, बांग्लादेश वाले कहते हैं 30 लाख लोग मारे गए, लेकिन पाकिस्तानी के कराची के एक जर्नलिस्ट ने, जो उन चंद सहाफी में थे जिन्हें ले जाया गया था मशरकी पाकिस्तान से रिपोर्टिंग के लिए, और रुजाद खान उस वक्त वजीर सेक्रेटरी इतलात होते थे और बड़े जो मगरबी पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान की कोई खबर आने नहीं देते थे, उन सहाफियों को भेजा। उन सहाफी में से एक सहाफी जो थे वो कराची से थे, उन्होंने जो सुना, जो फौजी अफसरों के मैसों में जो बातें सुनी, जो उन्होंने जाके मुशाहिदा किया, फील्ड में जाके देखा, वो उनके लिए खौफनाक किस्म का एक तजुर्बा था। वो वापस आए तो उन्होंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में रिपोर्ट जारी करूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, और वो रिपोर्ट वो नहीं करना चाहते थे जो कि रुदात खान चाहते थे। वो बाहर गए, उन्होंने जाके लंदन के अखबार से बात की, अपनी बीवी बच्चे बाहर ले गए, खुद वो अफगानिस्तान के जरिए बाहर चले गए। जब वो सब फैमिली बाहर चली गई तो वो रिपोर्ट छपी जिसे तमाम दुनिया को हिला के रख, उसमें ऐसे ऐसे जंगी जरायम सामने आए जो उसने अपने चश्मदीद गवाह हैं उसके, वो जो सामने लेकर आए।
इस वक्त हम देखते हैं कि क्या वाकया हुआ कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी आखिर हुई किस तरह। हम देखते हैं कि मशरकी पाकिस्तान के लोगों को महरूम रखा गया, उनकी पटसन को, उनकी एक्सपोर्ट्स को से जो ज़र मुबादला आता था वो मगरब पाकिस्तान पर खर्च होता था। दो तरह का एक्सचेंज रेट था ज़र मुबादला का। उनका कोई अफसर सेक्रेटरी के लेवल पे बंगालीज का नहीं था, बल्कि ज़्यादा एक जॉइंट सेक्रेटरी था। नेवल का हेडक्वार्टर भी हमने कराची में बनाया, हमने वहाँ पर नहीं बनाया, चिटागोंग में नहीं बनाया, बल्कि ख्याल ये था कि मगरबी पाकिस्तान का महाज को मजबूत कर कर हम मशरकी पाकिस्तान को तहफ़ फराहम कर सकेंगे। ये एक अजीब आइडिया था और ये एक मज़ाक़ा खेज आइडिया था। वो मशरकी पाकिस्तान का तहफ़ मगरबी पाकिस्तान में हमला किया गया, जब जब इस जंग को बढ़ाया गया तो यहाँ भी हमने बहुत से इलाके हमसे छिन गए और ये मशरकी पाकिस्तान को हमारे हाथ से जाने से न रोक सके। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो जबर किया गया बंगालीज के साथ, उनकी ज़बान से इनकार किया गया बंगाली से, उनके तिजारत में और ज़र मुबादले में हिस्से से इनकार किया गया, उनकी माशी तरक्की को इग्नोर किया गया, उनकी सर्विसेज में नुमाइंदगी को कहा गया बंगाली तो छोटे कद के होते हैं, वो तो इस काबिल नहीं कि फ़ौज में आ सके। हालांकि आज भी आप MM आलम पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान की एयरफोर्स का हीरो है, वह बंगाली थे। तो लेकिन ये हुआ, नतीजतन वो जो लावा पकता रहा पकता रहा पकता रहा, तो वो 70 के इंतखाबात में सामने आ गया, जो पहले और आखिरी पाकिस्तान में साफ इंतखाबात हुए, शफाफ इंतखाबात हुए। उसमें अवामी लीग दो नशिस्तों के अलावा सारी नशिस्तें जीत गई। मगरबी पाकिस्तान से भुट्टो साहब अक्सरियत लेके सामने आए। इन दो लीडर्स के दरमियान मुकालमा चला, लेकिन जनरल याह्या खान ने इन दोनों के दरमियान मुकालमे को कामयाब ना होने दिया, क्योंकि वो खुद सदर रहना चाहते थे। वो अवामी लीग से अलहदा बात कर रहे थे और पीपल्स पार्टी से अलहदा बात कर रहे थे और दोनों पार्टियों को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये भी कोशिश हुई, अब तारीख में आ गया, आशा जलाल की किताब में आप देख सकते हैं, ये भी कोशिश हुई कि दो तरह के आइन बन सकते हैं, एक जो मगरबी पाकिस्तान में लागू हो, एक जो मशरकी पाकिस्तान में लागू हो, मुल्क को रखा जाए। और ये कि 6 नुकात न सही, चले 5 नुकात पे अमल दरामद हो सकेगा, लेकिन वो बात ना आगे बन सकी। और याह्या खान ने कौमी असम्बली का इजलास जो ढाका में बुलाया गया था वो मुलतवी कर दिया और 25 मार्च को एक ऑपरेशन शुरू किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था सर्च लाइट, जिसके इंचार्ज जनरल टिका खान थे, और जिसमें कहा गया कि हमें ज़मीन नहीं चाहिए, हमें लोग नहीं चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए, और हम बिल्कुल किसी सूरत में आवाम की तमन्नाओं का कोई ख्याल नहीं रखेंगे। ये ऐसी सूरत हाल थी जिससे पूरी की पूरी, जब मुझे याद है कि जब मुजीब रहमान ने कॉल दी तो पूरे मगरब मशरकी पाकिस्तान में ऐसी हड़ताल हुई जिसमें हाई कोर्ट के जज भी शामिल थे, जिसमें पूरा मशरकी पाकिस्तान रुक गया था, और वो बड़ी कामयाब हड़ताल थी। और उसके बाद से फिर ये हुआ कि फिर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो फिर शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और पहली रात ही ढाका यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग, प्रोफेसर्स को और स्टूडेंट्स को जो कि उस मूवमेंट बड़े आगे आगे थे, उन्हें शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। उससे बहुत आग भड़की। मेरे अपने एडिटर उस वक्त हॉलीडे के खान साहब थे, जिनके साथ मैंने उस वक्त भी कुछ लिखता लिखाता रहा हॉलीडे के लिए, उनसे भी मैं मिला हूँ बाद एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा अपने इजलासों में, सहाफ़ियों की मीटिंग्स में, तो उनकी ज़माने भी मैं सारे हालात सुन चुका हूँ। और बहुत से और लोग, यहाँ तक बिहारी लोग, एक जंग का वहाँ पे रिपोर्टर था, उसकी भी कहानी, वो दोनों वहीं पे मौजूद थे, वो भी सुन चुका हूँ। और बहुत से इंडिपेंडेंट ज़रा से भी सुन चुका हूँ जो खौफनाक खूनरेजी वहाँ की गई और अपनी आवाम को मारा गया। और अगर आप हमूदुलमान कमीशन की रिपोर्ट उठा लें तो उसमें क्या क्या इल्जाम, बैंक लूटने से लेके, छालिया की स्मगलिंग से लेके, पान की स्मगलिंग से लेके, अपने ही पाकिस्तान के नेशनल बैंक लूटने से लेके, लोगों के घरों में डाके मारने से लेके, गांव के गांव सफाई साफ कर देने तक ये काम चलता रहा। एक बड़ा ही दिलचस्प वाक्य मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेजर जनरल जैकब को जनरल मानिक शाह ने भेजा जनरल न्याजी से बात करने के लिए। वो उनके पास गए तो जनरल न्याजी से को उन्होंने कहा कि आपको सरेंडर करना होगा, आपको हथियार डालने होंगे। तो जनरल न्याजी ने कहा मैं तो सीज फायर के लिए आपका मंजूर हूँ और मैं तो आपसे जंगबंदी चाहता हूँ।
उन्होंने कहा जंग बंदी का वक्त गुजर चुका है, आपके पास सिर्फ चॉइस ये रह गई कि आप हथियार डाल दें। तो उन्होंने कहा मैं आपको 30 मिनट देता हूँ। तो वो बाहर चले गए और जनरल जैकब ये कहते हैं कि वो सोच रहे थे कि मेरी फौज तो 3,000 है और वो ढाके से बाहर है और ढाका में ये लोग पाकिस्तान के 26,400 फौजी हैं, तो मैं इनके साथ कैसे, अगर इसने इनकार कर दिया कि लड़ाई जारी रहेगी तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस पर फिर ये तो गले मेरे बात गले पड़ जाएगी। लेकिन वो आया, उसकी हैरानगी की इंतहा न रही जनरल जैकब की, कि जब उसने दोबारा पूछा तो जनरल नियाजी खामोश हो गए। तो उन्होंने कहा तो आपकी खामोशी को मैं रजा समझूं, तो ये कहकर वो चले गए। और उसके बाद फिर हम देखते हैं बाकी सब कहानी है कि किस तरह पलटन मैदान में हथियार डाले गए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में, यहाँ तक कि जनरल एसएन की किताब देख लें, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं था और हमें ये मालूम नहीं कौन ये ख्याल आर्मी में आया कि भारत हम मुदाखलत नहीं करेगा या भारत मगरबी पाकिस्तान में हमला नहीं करेगा, ये कैसे ख्याल आया। और ना ही वो कह रहे 6 महीने से मुकम्मल जो सेंट्रल कमांड का स्ट्रक्चर जो था वो पैरालाइज हो चुका था, और जो कुछ वहाँ मशरकी पाकिस्तान में हो रहा था और जो कुछ जनरल नियाजी कर रहे थे और उनके एरिया कमांडर्स कर रहे थे, उसकी भी खौफनाक तफसीलात हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में है। लेकिन हमने देखा इन तमाम लोगों को इनका कोई एहतसाब ना हुआ और जनरल यहिया भी फौजी एजाज के साथ दफन हुए और बाकी जर्नैल भी अपनी अपनी मौत मरे और वो खुद पूरे एजाजात के साथ। आज भी पाकिस्तान में ये सवाल मौजूद है कि वो हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर अमल क्यों ना हुआ। ये भुट्टो साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान टूटने के बाद और फॉल ऑफ ढाका के बाद इकदार संभाला, उन्होंने आते ही कमीशन बनाया और उनकी एक बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने टूटे फूटे पाकिस्तान को दोबारा से जोड़ा खड़ा किया। और फिर जो माहिदा शिमला माहिदा हुआ उसमें वो कश्मीर पे सौदा किए बगैर उन्होंने एक ऐसा माहिदा किया जिससे पाकिस्तान के 24,000 से ज़्यादा फौजी और दूसरे शहरी और सिविलियन जो कि जंगी कैदी बन गए थे वो रिहा कराने में कामयाब रहे। फिर ये भी हुआ कि दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को दरगुजर करेंगे, माजी को भूल जाएंगे। और भुट्टो साहब ने माफ़ी भी मांगी इस सारे खौफनाक कत्लेआम पे। और उसके साथ ही हुआ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के इस ईमानदार पत्रकार का वीडियो होता है ख़त्म। ये पाकिस्तान के ईमानदार पत्रकार हैं इम्तियाज आलम, जो काफ़ी लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बाहर हैं बिकॉज ऑफ इमरान खान। ये अभी प्रिंट मीडिया में अपने कॉलम लिखते हैं। आपको बता दें ये हसन निसार के तरीके के ही सच बोलते हैं। हालांकि हसन निसार अभी कुछ बिन पैंदी का लोटा है, इमरान खान के करीबी भी हैं इसलिए वो बचे हुए हैं और वो सच नहीं बोल रहे हैं पिछले कुछ लंबे समय से जब से इमरान खान आए हैं। और ये इम्तियाज आलम उस श्रेणी में आते हैं, आप समझ सकते हैं कि जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है उसके मालिक को कितने लंबे समय से जेल में डाला हुआ था पाकिस्तान में। आपको पता है जियो न्यूज़ बहुत आर्मी के खिलाफ सच बताता है और ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। इनको भी अभी पाकिस्तान में कोई काम नहीं मिल रहा है, इसी तरीके की ये सच भरी बातें करते हैं और ये इंडिया को लेकर काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। मतलब ऐसा कि भारत और हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से रहना चाहिए, दोनों मुल्कों को अच्छे से रहना चाहिए। आप समझ सकते हैं जैसे हसन निसार बातें करते हैं उसी तरीके की ये भी बात करते हैं। तो इम्तियाज आलम ने इस वीडियो में क्लियरली बता दिया कि पाकिस्तान ने जो किया वही भुगता, मतलब पाकिस्तान की आर्मी ने जो वहां पर हरकतें की थी उसी के कारण पाकिस्तान टूटा है और इंडियन आर्मी की छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और इंडियन आर्मी ने वेस्ट पाकिस्तान में भी तहलका मचा दिया था। तो इम्तियाज आलम को आपने सुना, इम्तियाज आलम एक बहुत अच्छे मतलब स्पोक पर्सन है, बहुत अच्छे वक्तव्य से अपनी बात रखते हैं और इन्होंने बहुत आसानी से बता दिया। आपको पता होगा पाकिस्तान का जो साथ देने वाले बिहारी वहाँ रह गए थे उनकी हालत पर भी आज तक पाकिस्तान को शर्म नहीं आती, उन्हें अपने देश वापस नहीं लिया जाया गया है और वो वहाँ पर अभी बिना नागरिकता के, ना उनके पास बांग्लादेश की नागरिकता है ना पाकिस्तान की है, एज अ रिफ्यूज़ी पाकिस्तानी बिहारी, मतलब जो बिहार से 1947 में गए थे वो वहाँ अभी तक रह रहे हैं। तो ये हालात है और पाकिस्तान जो दुनिया भर के मुसलमानों को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त करता है, खुद के नागरिकों को वहाँ से यहाँ ला नहीं रहा है और वो वहाँ पर
मतलब भुखमरी में रह रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं खत्म, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।